राम जी और लक्ष्मण जी गुरुदेव की आज्ञा से नगर में जो वाटिका है उस वाटिका में फूल लेने के लिए पहुंचे हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में लिख रहे हैं, समय जानी गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई, भूप बाग बर देखे उजाई, जहां बसंत ऋतु लही लुभाई, लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना, नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपति सुर रूख लजाए, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहग नटत कलमोरा। राम जी बगीचे में पहुंचे और राम जी जब बगीचे में पहुंचे तो राम जी ने देखा कि बगीचे में चारों तरफ सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, सुंदर सुंदर वृक्ष हैं और उस बगीचे में चार प्रकार के पक्षी हैं, पांच प्रकार के। कितने? पांच। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, चातक कोकिल कील चकोरा। चातक पक्षी, कोकिल मतलब कोयल, कील मतलब तोता, चकोरा मतलब चकोर। ये चार हैं जो क्या कर रहे हैं? कहा ये चार आपस में बातें कर रहे हैं। और एक पांचवा पक्षी भी है वहां। पांचवा पक्षी कौन? कूजत बिहग नटत कलमोरा। ये पांच कर रहे हैं बातें, चार चार बातें कर रहे हैं और जो पांचवा पक्षी है मोर, वो वहां पर नृत्य कर रहा है, मोर नाच रहा है। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि मानो ये जो चार पक्षी वहां पे हैं, वो पक्षी नहीं, वो चार प्रकार के भक्त हैं। भक्त चार प्रकार के होते हैं। एक होता है आर्त, आर्त मतलब जो दुखाने पर भगवान को याद करता है। एक होता है अर्थार्थी, जो धन की इच्छा से भगवान को याद करता है। एक होता है जिज्ञासु, जो जानने के लिए उसके मन में जिज्ञासा, ऐसा क्यों वैसा क्यों, ऐसा किस लिए वैसा किस लिए, वो जिज्ञासु, वो जिज्ञासु है। और एक ज्ञानी, जो वेद शास्त्रों का ज्ञान लेकर के भगवान को जानता है। तो मानो वे चार पक्षी जो आपस में बातें कर रहे हैं, वे चार प्रकार के भक्त हैं, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। जो राम जी को देख देख के, कोई आर्त है दुखी है वो बात कर रहा है, कोई अर्थार्थी है वो बात कर रहा है, जिज्ञासु अपनी बात कर रहा है, ज्ञानी अपनी बात कर रहा है, लेकिन जो मोर है वो कौन सा है भक्त? ये चार तो चार प्रकार के भक्त हैं, पांचवा पक्षी मोर है, तो जो मोर है वो प्रेमी भक्त है। कौन सा भक्त? प्रेमी भक्त। और जो प्रेमी भक्त होते हैं वे क्या करते हैं? अपने प्रेम का प्रदर्शन नहीं करते, वे प्रेम का दर्शन करते हैं, प्रेमी का दर्शन करते हैं। मोर प्रेमी है, उसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो तो मगन है दर्शन करके। तो जो चार प्रकार के भक्त हैं वो बातें कर रहे हैं, लेकिन जो प्रेमी भक्त है वो नाच रहा है राम जी के रूप को देख करके मगन होके। तो भक्त भी पक्षी बन बन के आ करके उस बाग में आके बैठे हैं राम जी का दर्शन करने के लिए, राम जी को देखने के लिए। प्रेम बताने का नहीं होता, प्रेम का जो भाव है वो बताने वाला नहीं होता, और जो बता बता के किया जाए वो प्रेम नहीं होता। कोई कहे कि हम तो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो करते हो तो बताने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। प्रेम प्रदर्शन का नहीं, प्रेम दर्शन का विषय है। प्रेम बताने का नहीं, प्रेम छुपाने का विषय है। प्रेम मांगने का नहीं, प्रेम देने का विषय है। प्रेम स्वार्थ का नहीं, प्रेम निस्वार्थता का विषय है। तो जो मोर है वो प्रेमी भगत है,
जो चार हैं वो आर्त हैं, अर्तार्ती हैं, जिज्ञासु हैं, ज्ञानी हैं, वो अपने बातों में लगे, वो उनको दर्शन से मतलब नहीं। अरे राम जी आए हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, कैसे आए हैं, वो इस चर्चा में लगे। लेकिन मोर प्रेमी भक्त है, वो तो भगवान को देख के नाच रहा है, उसे न दुनिया से मतलब है न खुद से मतलब है, वो दर्शन कर करके अपने नेत्रों को धन्य मान रहा है और नाच रहा है। अब राम जी आगे बढ़े, जब राम जी आगे बढ़े उस समय वो बगीचा जनक जी का है, मालीगन है, और राम जी की शिष्टता तो देखो है। राम जी जनकपुर के अतिथि, अब राम जी बिना पूछे फूल तोड़ भी लेंगे तो क्या अतिथि को मना कर दिया जाएगा? हमारे घर पर कोई आए और हमसे बिना बताए बिना पूछे हमारे घर के फूल पत्ते कोई छूने लगे तो वो तो मेहमान है, हम मना करेंगे क्या? नहीं भैया, मेहमान है, अतिथि है, नाराज ना हो। लेकिन राम जी का शिष्टाचार, राम जी का अनुशासन ऐसा है कि मालिक जनों से राम जी पूछने गए हैं। आज हम देखते हैं ना, सुबह 4 बजे से नवरात्रि में फूल नहीं बचते, लोग चुरा चुरा के फूल ले आते हैं। कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जिसके घर के फूल हैं कम से कम उससे तो एक बार पूछ लो कि भैया तोड़ ले या नहीं। पता चला वो उठ ही नहीं पाया, हमने पूरे फूल चुराए और हम चल दिए, हम फूल चुरा के चल दिए। फिर जब उसने दरवाजे खोले तो उसने सुबह का मंगलाचरण चालू कर दिया। मंगलाचरण समझ गए ना, उसने गालियां देना शुरू कर दी, पूरे फूल ले गए, फलाना ढिकाना ये वो। तो कहीं बाहर लगे हो वो आप तोड़ लें, लेकिन किसी के घर पे कई लोग होते ना, गेट से कूद के दीवार से चढ़ करके चुरा के ले आना। ऐसे चुरा चुरू के फूल लाके भगवान को चढ़ाओगे तो पुण्य उसी को मिलेगा जिसके यहाँ के फूल हैं, आपको नहीं मिलेगा। इसलिए दूसरों के घर के फूल लाने से पहले कम से कम एक बार पूछ लो। अब आप कहो वो तो सोते रहते हैं, तो जब कभी रास्ते में मिल जाए तो पूछ लिया करे, शाम को पूछ लिया करे कि भैया आप सुबह सोते हो, सुबह आके हम फूल तोड़ सकते हैं यहाँ? नहीं, ये राम कथा सिखा रही है हमें। राम जी पूछते हैं, क्या पूछते हैं? चहु किसी चितई पूछी माली गन, लगे लेन दल फूल मुदित मन। राम जी ने पूछा है, फूल तोड़ सकते हैं, फूल चुन सकते हैं, तो मालियों ने मना कर दिया। अब मालियों ने मना क्यों किया? मालियों के मना करने के 3 कारण। पहला कारण, माली कहते हैं कि प्रभु आप तोड़ तो लें, लेकिन एक बार हमारी बात भी सुन लें। हमने सुना है कि अभी जब आप जनकपुर के लिए आ रहे थे तो आपके चरणों के स्पर्श से एक पत्थर नारी बनकर के आकाश की तरफ चली गई, क्या ये सही है? राम जी तो कुछ नहीं बोले, पीछे से हाँ हाँ, लक्ष्मण जी बोले हाँ 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 सही है। तो मालियों ने कहा कि प्रभु अब हमारे बगीचे में तो पता नहीं कितने पत्थर हैं, आपके चरण जिन जिन पर पड़ेंगे तो जो पत्थर हमारे बगीचे की शोभा है, कहीं नारी बन बन के बेबी आकाश में चले गए तो। और दूसरा कारण राम जी ये है कि आपका जो मुख है ना वो कमल की तरह है। कैसा मुख है? कमल की तरह। नव कंज लोचन कंज मुख है, कंज पद कंजारुहम, कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम, श्री राम चंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम, श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव
साल भज मन हरण भव भय दारुण। तो मान लीजिए दूसरा कारण मना बगीचे में मतलब फूल तोड़ने ना तोड़ने का दूसरा कारण कि राम जी आपका जो मुख है ना वो कमल के जैसा है। कैसा है? कमल के जैसा। और कमल में भौरे मंडराते रहते हैं। तो प्रभु हमें डर है कि आप बगीचे में प्रवेश करेंगे तो बगीचे के जितने फूलों के ऊपर भौरे मंडरा रहे हैं वे अन्य फूलों को छोड़ छोड़ के कहीं आपके मुख के ऊपर आकर के कमल समझ करके ना मंडराने लगे, क्योंकि आपका मुख मंडल कमल के जैसा है। राम जी ने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे जाने दो। मालीगण कहते हैं तो जाना जरूरी है। राम जी बोले बिल्कुल जरूरी है, गुरुदेव के पूजन का समय है और बिना पुष्प के गुरुदेव पूजन कैसे करेंगे। अच्छा तो माली कहते ठीक है हम जाने देंगे, लेकिन एक बार हमारी किशोरी सियाजू की जय बोलनी पड़ेगी। क्या बोलनी पड़ेगी? हमारी किशोरी हमारी लली सियाजू की जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी फिर आगे, हम क्यों बोले तुम्हारी सियाजी की जय, उनको तो हम जानते भी नहीं है। राम जी ने कहा चुप रहो तुम, हर जगह आगे आगे मत हुआ करी, यदि वो कह रहे हैं तो बोल दो क्या होता है किशोरी जी की जय बोलने में। राम लक्ष्मण जी ने माली के कहने पर सियाजू की जय बोली और जब सियाजू की जय बोली गई तब राम जी को फूल तोड़ने की आज्ञा मालियों ने दी। अब राम जी फूल तोड़ रहे हैं। जब राम जी फूल तोड़ रहे हैं उसी समय क्या हुआ, सीता जी भी वहां पर आई हैं। सीता जी आई हैं पूजन करने, तो सीता जी मंदिर में पूजन कर रही हैं। जब सीता जी पूजन में मंदिर में पूजन कर रही थीं, उसी समय सीता जी के साथ सखियां थीं। उन्हीं सखियों में एक चतुर सखी भी थी। उसका मन पूजा में नहीं लग रहा था, उसका मन लग रहा है कि जरा मैं बाग बगीचा घूम लूं। तो मंदिर से बाहर निकल गई और बाग बगीचा घूमने लगी। अब जैसे ही बाग बगीचा घूमने लगी तो उसने क्या देखा, क्या देखा? उसने देखा राम जी को और लक्ष्मण जी को। राम जी और लक्ष्मण जी को जब देखा उस समय पहले तो खूब नेत्र भर भर के देख लिया और देखने के बाद भागते दौड़ते हुए पहुंची सीता जी के पास। लंबी लंबी सांस ले रही है। सीता जी ने कहा क्या हुआ क्या हुआ? सखी कहती अरे सीता ये पूजा तुम बाद में कर लेना, हाथ पकड़ लिया पहले हमारे साथ चलो। सीता जी ने कहा आखिर हुआ क्या जो पूजा छोड़ के तुम अपने साथ ले जा रही हो? कहा सीता तुम जानती हो जिन दो राजकुमारों की चर्चा पूरे नगर में हो रही है वो दोनों राजकुमार बगीचे में आए। तो दूसरी सखियों ने कहा आए हैं तो आने दो और हम तुम्हारी बात कैसे मान लें कि वे आए हैं। तो सखी कहती है मैं कैसे बताऊं, अरे एक श्याम वर्ण का है एक गोरे रंग का है। गोरा वाला तो ठीक ठाक ही है लेकिन श्याम वर्ण का है जो बहुत सुंदर है। एक कौशल्या जी का बेटा है एक सुमित्रा जी का बेटा है, अयोध्या से विश्वामित्र जी के साथ आए हैं। तो अन्य सखियों ने कहा कि ये बात तो हमें भी पता है पूरे नगर को पता, किसी ने कुछ नया बताओ? तो कहा देखो नया मैं कुछ नहीं बता सकती, मुझे सीता को ले जाने दो। और हाथ पकड़ के सारी सखियां भगवती सीता को ले गई हैं बगीचे में राम जी को दिखाने के लिए। और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं लता ओट सब सखिन लखाए श्यामल गौर किशोर सुहाए। उस समय आगे बढ़ी हैं सखियां। सीता जी ने कुछ पेड़ों के पीछे छिप करके राम जी का दर्शन किया है लेकिन
राम जी ने सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा, दोनों देखते रह गए एक दूसरे को। सीता जी ने तो नेत्र भर के देखा और भर करके नेत्रों को बंद कर लिया। नेत्र बंद करने का कारण यह है कि राम जी सीता जी के नेत्रों में समा जाए। जैसे हम किसी मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाके मंदिर की मूर्ति को देखते हैं, तो मूर्ति को देख के थोड़े देर देख के हम आंखें बंद कर लेते हैं। फिर घर पे आके भी जब हम आंखें बंद करते हैं तो थोड़ी देर तक हम चाहें तो वो मूर्ति का दर्शन हमें हो सकता है। वैसे सीता जी ने राम जी को पहले नेत्र भर के देखा और फिर आंखें बंद कर ली कि इनकी जो सांवली सलोनी सूरत है वो मेरे नेत्रों में बस जाए और जब मैं यहाँ से चली भी जाऊं तब भी इस सूरत का दर्शन मुझे होता रहे। तो सीता मैया ने गौरी मैया से प्रार्थना की है, मानो सीता जी के मन में है कि अवध जैसा राज्य, सरजूही का स्नान, कौशल्या जैसी सास, दशरथ जी जैसे ससुर और राम जी जैसे पति। सीता जी ने मांगे हैं, माँ ने आशीर्वाद दिया है, पूजन करके सीता मैया लौटी हैं। यहाँ राम जी भी फूल लेकर के पहुंचे हैं, गुरुदेव का पूजन इत्यादि हुआ।